नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का किन लक्षणों से पता लगा सकते हैं, क्या नॉर्मल लेवल है कैल्शियम और विटामिन डी का, और कैसे आप डाइट से इनकी कमी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, विटामिन डी हमारी आंतों से कैल्शियम एब्जॉर्ब कराता है, जो हमारी हड्डियों के साथ है, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, उनकी फंक्शनिंग में बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ कैल्शियम नसों की फंक्शनिंग रेगुलेट करता है और खून के थक्के बनाने में भी हमारी मदद करता है। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिल की धड़कन को मेंटेन करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, आपने बहुत बार ये लोगों से सुना होगा, इनफैक्ट मेरे जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स के पास, जिनकी नसों और हड्डियों में हमेशा दर्द रहता है, काम करते वक्त क्रैम्प्स आ जाते हैं, नसें खिंच जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। इन सभी चीजों का कारण आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का होना भी दोस्तों हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, स्टडीज और रिसर्चेज में ये पता चला है कि जिन लोगों को बार बार जुखाम हो जाता है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर जिन्हें डिप्रेशन रहता है, वो हमेशा लो फील करते हैं, शरीर में थकान रहती है और कुछ करने का मन नहीं करता है। ये सभी समस्याएं भी दोस्तों विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपको भी ये लक्षण आ रहे हैं, तो ये एक संकेत है कि हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है दोस्तों कि कैल्शियम की कमी बहुत टाइम तक हमें दिखती नहीं है, नोटिस नहीं होती है। आपको सिम्टम्स तो शो होते हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट में कैल्शियम के लेवल्स एकदम नॉर्मल आएंगे। इसका कारण होता है कि इवन इफ आपकी डाइट कैल्शियम रिच नहीं है और आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी है, तो आपका शरीर हड्डियों से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने लगता है और ब्लड में सप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से आपके हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो सकती है, वो कमजोर हो सकती है और फ्रैक्चर का रिस्क भी दोस्तों बढ़ सकता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। इसलिए अगर आपको ऊपर समझाए गए कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो आप कैल्शियम एंड विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं। और अगर हम नॉर्मल लेवल्स ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम की बात करें, तो नॉर्मल कैल्शियम का लेवल जो हमारी बुक्स रिकमेंड करती है, जो मेडिकल बुक्स रिकमेंड करती है, वो है 8.9 से 10.1 मिलीग्राम पर डीएल, और नॉर्मल विटामिन डी का लेवल्स है 30 से 50 नैनोग्राम मिलीलीटर के बीच में। दोस्तों चलिए मान लेते हैं आपको बताए गए लक्षण, जैसे बाइंटे आना, लो फील करना या डिप्रेस रहना, काम में मन नहीं लगना और शरीर में थकावट रहना महसूस होता है, और आपने ब्लड टेस्ट करवाए जिसमें आपके कैल्शियम एंड विटामिन डी का लेवल कम आया, तो अब आप इनकी कमियां कैसे पूरी करोगे? तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम रिच सोर्सेस जैसे कि दूध, पनीर, दाल, टोफू को बढ़ाना है। इन सारे प्रोडक्ट्स में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी जो कि एक फैट सोल्युबल विटामिन है, जो हमें धूप से मिलता है, तो जब हम धूप में जाते हैं तो हमारा शरीर धूप से विटामिन डी बनाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप कड़ी धूप में जाकर खड़े हो जाओ, उससे आपकी स्किन जल जाएगी। आप सूर्योदय यानी कि जब सूरज उगता है या फिर सूर्यास्त जब सूरज ढलता है, उस टाइम पे धूप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको उस समय भी गर्मी लगती है, तो आपको एक ट्रांसपेरेंट सूती का कपड़ा ओढ़कर आधे घंटे के लिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय अपने छत पर जा सकते हैं और वहां धूप ले सकते हैं। इससे आप अपने शरीर में नेचुरल तरीके से विटामिन डी के लेवल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे नेचुरल तरीके जिससे कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल बढ़ता है। अब अगर इन नेचुरल तरीकों से भी आपके कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो रही है, विटामिन डी की कमी पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने शुरू करने पड़ेंगे। अब ये सप्लीमेंट्स के जो डोज है वो कैसे रहेंगे? ये दोस्तों आपकी एज, सेक्स या आपकी कोई बीमारी है,
उस पर डिपेंड करेंगे। और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि एक्सेस विटामिन डी भी या फिर कैल्शियम भी हमारे शरीर को, लिवर को, हमारी किडनीज को नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, ये मेरी साइड से एक छोटी सी कोशिश थी आपको विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में जरूरी बातें बताने की, और कैसे ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और किस प्रकार से इनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, आयरन हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। ये खून बनाने का भी हमारे शरीर में काम करता है। अगर आप आयरन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, किन सोर्सेस से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल नाइट ऑफ हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।